नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानेंगे कि भाई इनके जीवन से संबंधित और इनके समय में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं जिनके कारण पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी के जीवन के बारे में और उनके समय में घटित घटनाओं के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, ये वो पहले शख्स थे। देखो, राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी वाले इंसान थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां थी उनके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था और इन्हीं के विचारों के कारण भारत में यानी 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। ठीक है, तो कौन थे, शुरू करते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। भाई राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1774 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, देखो यहां से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में देखने को मिलते हैं और यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, पहले हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 22 मई 1754 ईस्वी में कहां पर हुआ था, हुगली। हुगली कहां पर पड़ता है, बंगाल में, और हुगली के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। अगर अब हम इनकी शिक्षा की बात करें, भाई इनका जन्म हमें पता चल गई कि बंगाल के हुगली और हुगली में भी राधानगर में इनका जन्म हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इनकी हम शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा पटना और बनारस यानी वाराणसी में हुई थी और शिक्षा पूर्ण करने के बाद, शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद इनके जो पिताजी थे वो तत्कालीन बंगाल के नवाबों के यहां पर नौकरी करते थे। तो इन्हें बंगाल के नवाबों से उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो इन्हें नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी ये कहाँ पर करते हैं, तो जॉन डिग्बी, याद रखना जॉन डिग्बी के दीवान के पद के रूप में यानी दीवान का इन्हें पद दिया जाता है उस रूप में ये कंपनी में करते हैं। नौकरी कहां पर करते हैं, अंग्रेजी कंपनी में जॉन डिग्बी दीवान के रूप में ये नौकरी करते हैं यानी कार्य करते हैं। अब देखो, इनके पिताजी जो थे वो बंगाल के नवाब के यहां पर, जो तत्कालीन नवाब थे उनके यहां पर नौकरी करते थे, तो इसलिए बंगाल के नवाबों के द्वारा इन्हें राय राया की उपाधि दी गई। देखो यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे वो कई भाषाओं के जानकार थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने पश्चिम की सभ्यता को भी आत्मसात किया था, वहां की पढ़ाई के बारे में भी बहुत ज्यादा खोजबीन की थी, एक तरीके से रिसर्च मान लो, क्योंकि इन्होंने वहां की जो पढ़ाई थी पश्चिमी देशों की उसकी भी आत्मसात की थी, उसके बारे में भी विस्तार से जाना था। इसीलिए ये हिंदू धर्म के जो कर्म कांड थे, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी जो प्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें कुर्तियां बोलेंगे, जो कि गलत प्रथाएं थी, उनके ये विरोधी भी थे और कुछ प्रथाओं के ये समर्थक भी थे, लेकिन ये दोनों प्रथा ही हिंदू धर्म में गलत साबित थी। यानी हिंदुओं के प्रति जो चली आ रही थी परंपरा वो सही मानते थे, लेकिन इन्होंने उन सभी परंपराओं को गलत साबित किया। अब देखो ये किस किस चीज के यानी कौन कौन सी भाषाओं के ज्ञाता थे, तो देखो अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू, ये बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने सबसे पहले 1803 से 1814 ईस्वी तक कंपनी में देखो नौकरी की थी। कब से की थी, 1803 से 1814 ईस्वी तक नौकरी की थी।
अब मैंने जो अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई जो हिंदू धर्म में प्रचलित थी, जो कि सारी गलत प्रथाएं थी, कुर्तियां थी, ये उनके विरोधी थे। तो देखो समाज में जो उस समय कौन कौन सी कुर्तियां प्रचलन में थी, जो कि चली आ रही थी परंपरा, ये उन सभी के विरोधी थे। ऐसी कौन कौन सी प्रथा थी जिनके ये विरोधी थे, तो उनमें थी मूर्ति पूजा का ये विरोध करने वाले थे, तीर्थ यात्रा कर और कर्म कांडों का भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया, जातिवाद का भी विरोध किया और बहुपत्नी प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। तो देखो ये समाज में बहुत सारी कुर्तियां थी जिनका इन्होंने विरोध किया, और ये कुछ कुर्तियों के यानी कि हिंदुओं के प्रति जो कुर्तियां थी उनमें से कुछों के ये समर्थक भी थे। जैसे कि ये एक ईश्वरवाद के, याद रखना यहां से भी पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक ईश्वरवाद के ये और विधवा पुनर्विवाह जो कि हिंदुओं के हिसाब से चली आ रही, उनके हिसाब से ठीक थी, लेकिन इन्होंने इस प्रथा को की, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इनके हिसाब से सही था। तो ये एक ईश्वरवाद और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया था। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। हम विस्तार से जानेंगे कि यहां से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। अब इनका जो पहला ग्रंथ आप कह सकते हैं वो फारसी भाषा में 1809, समय कौन सा था 1809 ईस्वी में, तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एक ईश्वरवाद के उपहार, एक ईश्वरवादियों का के उपहार। ठीक है, इस किताब का हिंदी में जो नाम है ये इन्होंने प्रकाशित की, कौन सी, तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, यानी एक ईश्वरवादियों के उपहार। ठीक, अब इनके समय में एक घटना घटित होती है जिसको उस घटना ने इनको झंझोड़ के रख दिया, कि समय था 1811 ईस्वी, इसमें क्या होता है, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में इनकी जो भाभी थी यानी बड़े भाई की जो पत्नी थी वो सती हो जाती हैं। क्या होती हैं, सती हो जाती हैं, इनकी भाभी सती हो जाती हैं, और सती होने के बाद में ये इस सती प्रथा का भी विरोध करते हैं, लेकिन विरोध कब करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद में क्या घटना घटती है कि 1815 ईस्वी में ये एक ईश्वरवाद के प्रचार के लिए, यहां पर एक चीज नोट रखना, किसके लिए, प्रचार के लिए, एक ईश्वरवाद के प्रचार के लिए ये सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन करते हैं। क्या, आत्मीय सभा का गठन करते हैं, और इसमें इनके जो सहयोगी थे आत्मीय सभा के गठन में वो थे द्वारिकानाथ ठाकुर, याद रखना इन दोनों ने मिलकर आत्मीय सभा का गठन किया। इसके बाद इनके समय में 1818 ईस्वी में इन्होंने, क्योंकि इनकी भाभी जो सती हो गई थी, इन्होंने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, यानी सबसे पहले इन्होंने जो सती प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था वो 1818 ईस्वी में। ये चीज आप याद रखना, और सती प्रथा का प्रथा जो बंद हुई थी वो 1829 में, और उस समय गवर्नर थे बैटरिक के सहयोग से सती प्रथा का अंतिम रूप से समाप्त होती है। ठीक है, तो शुरू कब होती है, 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, और इसके बाद ये 1820 में राजा राम मोहन राय ने ईसा के नीति वचन, याद रखना ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, क्या, शांति और खुशहाली का प्रकाशन किया।